हेलो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है राम और आज हम बात करने वाले हैं 50 स्मूथ ट्रांजिशन पैक के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अपने अडोबे प्रीमियम प्रो के अंदर, सो आप किसी भी वर्जन में यूज कर सकते हैं। और ये एक प्रीसेट पैक है जिसको आपने अपनी जो इफेक्ट फोल्डर है इसके अंदर इंस्टॉलेशन करना है। प्रोसेस सिंपल है, मैं बताने वाला हूँ। बट मैं आपसे डिसअपॉइंट हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ गाइज, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बट कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप मेरा वीडियो देखते हो तो गाइज इसे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर इसको अपलोड करता हूँ, पूरा दिन निकल जाता है मेरा इसी काम में। तो गाइज आप जब मेरा वीडियो देखते हो, कुछ डाउनलोड करते हो, तो फिर आपने उसको सब्सक्राइब भी करना जरूरी है गाइज। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो गाइज। ये जो प्रीसेट पैक है ये बिल्कुल फ्री है, तो मैं इसका पैक है वो आपको देने वाला हूँ। एक आपको फोल्डर मिल जाएगा बिल्कुल इसी तरह का, और इसको आपने डाउनलोड करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वहां से। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप जितना चाहे डाउनलोड कर लीजिए, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और इसी वीडियो को देखकर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और फिर डाउनलोड करनी है फाइल, और आप अपने अडोबे प्रीमियम प्रो में चला सकते हैं। बस मेरा जो यहाँ पर अडोबे प्रीमियम प्रो है ये 2021 है, मेरे पास 2020 भी है और 2018 भी है, इनमें भी ये चलेगा। जो पुराने ओल्ड वर्जन होते हैं अडोबे प्रीमियम प्रो के, उसमें भी ये चलेगा। अच्छा, या और इसके बाद अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है। अगर आप डेली यूज़ करते हो अडोबे प्रीमियम प्रो तो आपको पता है, बट आप न्यू है अडोबे प्रीमियम प्रो को चलाने में, तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो इफेक्ट का फोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, सिंपल है, आपने यहाँ पर क्लिक करनी है और यहाँ पर जो इफेक्ट है और यहाँ पर जो इफेक्ट है इसके ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर यहाँ पर शो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसमें पहले से ही एडिटिंग करते हैं तो कोई बात नहीं है। जो न्यू है अडोबे प्रीमियम प्रो सीख रहे उन लोगों के लिए मैं ये जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपनी जो लेफ्ट क्लिक है करनी है, यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट प्रीसेट, इसके ऊपर क्लिक करनी है, आपका जो डेस्कटॉप है वो ओपन हो जाएगा। ये जो इफेक्ट की फाइल है मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी है, तो यहाँ पर मुझे शो हो रही है। आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पूरा जो फाइल है वो आपको यहाँ पर प्रीसेट फोल्डर के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई देने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो ये पूरी जितनी 1 से लेकर 10 तक आपको फाइलें मिल जाएगी। स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट है ये, हमारी जो 15 स्मूथ इफेक्ट है वो फोल्डर पूरा यहाँ पर आ चुका है इफेक्ट फोल्डर के अंदर। अब इसको देख लेते हैं यूज़ कैसे करेंगे। तो ये भी काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे जो पैक है इनसे थोड़ा डिफरेंट है इसे यूज़ करना। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज रख दिए हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आपको वीडियोज दिखा देता हूँ। पहले तो कुछ वीडियो मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे है जिसके ऊपर हम हमारी जो ये स्मूथ इफेक्ट है इसको यूज़ करके देखेंगे। आप जो तरीका है वो एक बार सही से देख लेंगे तो आपको इसको यूज़ करने में आसानी रहेगी, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर क्या होगा, फिर आप देखेंगे नहीं, फिर डाउनलोड तो कर लेंगे आप, बट आप जो तरीका है वो अगर नहीं देखेंगे तो फिर ये किसी काम का पैक नहीं है। तो वीडियो आपने ध्यान से देख लेना है, वीडियो 10 मिनट का 8 मिनट का है, आराम से देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये जो पैक है ये यहाँ पर आ चुका है, हमारा दो वीडियो यहाँ पर है, तो पहला वीडियो एंड सेकेंड वीडियो, दो वीडियो यहाँ पर है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। आपने जो पॉइंट है इसको बिल्कुल सेंटर में रख देना है, ये जो दोनों कट है वहाँ पर रख देना है, और आपने यहाँ पर स्नैप टाइमलाइन है इसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर ये ब्लू होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए, इसको आपने ब्लू कर देना है। जैसे आप ब्लू करेंगे तो ये पॉइंट को आप यहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल ये सेंटर में ही आ जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में आके रह जाएगा, ठीक है। तो आपने स्नैप टाइमलाइन है इसको ऑन कर देना है, ये ब्लू होना चाहिए, आप यस प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, जैसे आप यहाँ यस प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, तो इसको हमेशा ब्लू रखना है आपने। दूसरी बात, इसके ऊपर हमने यहाँ पर थोड़े कट लगाने हैं फ्रेम बाय फ्रेम, तो यहाँ पर हमारे जो पैक है इसको ओपन कर लेते पहले। तो 15 स्मूथ ट्रांजिशन पैक है इसको ओपन करते हैं, सेंटर डाउन हॉरिजेंटल लेफ्ट राइट बहुत सारी जो इफेक्ट है ये आपको देखने को मिलेगी, इसको ओपन कर लेते हैं। और इसमें पीछे लिखा है एल और दूसरी में लिखा है आर, तो ये है लेफ्ट, ये है राइट साइड, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की इफेक्ट है। और ये जो इफेक्ट है इसके ऊपर आप पॉइंट जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर पता चल जाएगी कि आपको कट कैसे करना है, कितनी फ्रेम हमने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डिटेलिंग में आपको मिल जाएगी। एक साइड का 15, दूसरी साइड का 15, मतलब
13 फ्रेम आपने जो कट करनी है दोनों वीडियो की। तो चलिए कट लगाते हैं हमारे वीडियो पे। तो पहला वीडियो है, सेंटर में पॉइंट रख देना है और यहाँ से आपने जो ये कीबोर्ड है इस बटन को आपने प्रेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से हमारा जो पॉइंट है वो बीच में रख देंगे दोनों वीडियो की। अब हम फॉरवर्ड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 तो 15 फ्रेम हमने यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर ली है और यहाँ पर हमने कट लगा देना है। ठीक है, तो दोनों ये 15 और ये 15 दोनों हो गई 30। 30 फ्रेम आपने कट लगानी है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट एंड राइट है तो पहले जो है इसको आपने पहले वाला जो वीडियो है इसके ऊपर रख देना है और राइट साइड का जो इफेक्ट है इसको आपने सेकंड वाले वीडियो पे रख देना है। अब यहाँ पर हम करते हैं प्ले हमारे वीडियो को। तो ट्रांजिशन पैक लग चुकी है और इसी तरह से आपको दिखाई देगी। और फिर से एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले वाला और ये ट्रांजिशन पैक यहाँ पर लग चुकी है। चलिए इसको रिम्यू कर लेते हैं यहाँ से रिम्यू एट्रीब्यूट और यहाँ से हम कर लेंगे इसको ओके। तो ये क्लीन हो चुकी है। कोई और जो इफेक्ट है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर देखते हैं। तो मोशन है, मोशन को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तरीका सेम है, दोनों में 15-15 फ्रेम हमें चाहिए दोनों वीडियो की। यहाँ पर कट लगा लिया है तो लेफ्ट पहले वाला इसको गाइस जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते हो अपने वीडियो के ऊपर तो यहाँ पर दोनों वीडियो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों वीडियो सिलेक्ट होंगी तो दोनों वीडियो के ऊपर ये इफेक्ट लग जाएगी। तो आपने ये जो वीडियो है दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। जिस वीडियो के ऊपर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वही वीडियो सिलेक्ट होनी चाहिए। तो ये वीडियो हमने सिलेक्ट रखनी है। यहाँ से लेफ्ट साइड की जो इफेक्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें रख देंगे, राइट साइड की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे सेकंड वीडियो के कट के ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ से हम वीडियो को प्ले करते हैं तो ये जो इफेक्ट है ये लग चुकी है। रेंडर कर लूंगा ताकि प्रीव्यू हमें अच्छे से मिले। तो दोनों वीडियो को आपने 15 फ्रेम कट कर लेना है। फिर पहला जो वीडियो है उसके ऊपर लेफ्ट साइड की जो इफेक्ट है इसको यूज करना है, दूसरी जो वीडियो है उसके ऊपर हमने राइट साइड की जो इफेक्ट है इसको यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे जो इफेक्ट है इसको यूज कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो ये स्मूथ प्रीव्यू हमें मिल चुका है। फिर से कोई और इफेक्ट को यूज करके देखते हैं। यहाँ से इसको कर देते हैं रिम्यू। चलिए ओके करते हैं तो ये रिम्यू हो जाएगी। और यहाँ पर जूम को यूज करते हैं। चलिए जूम यूज कर लेते हैं अपनी इफेक्ट को और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। पहला जो हमारा पहले वीडियो पे अप्लाई कर देंगे, राइट साइड की जो इफेक्ट है इसको अप्लाई करके सेकंड वाली वीडियो पे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर कर लेंगे इसको बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं इसका प्रीव्यू। ये जूम इफेक्ट है तो बिल्कुल लग चुकी है, इसको इसी तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से आपकी जो जूम इफेक्ट है स्मूथ वो लग जाएगी। जैसे कि आप जैसे इसको लगाओगे तो जूम होकर इसी तरह से आपको दिखाई देगी, लेफ्ट साइड का पहला वीडियो के ऊपर, राइट साइड सेकंड वीडियो के ऊपर। और यहाँ से हम प्ले करेंगे तो ये हमारी जो इफेक्ट है वो लग चुकी है। तो इसी तरह से ये जो 15 स्मूथ ट्रांजिशन पैक है इसको यूज करना है। तरीका आसान है, इसमें बहुत सारी मिल जाएगी आपको, मोशन, लेंस, ग्लिच, ब्लर, ब्लॉक, तो बहुत सारी इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाएगी आपको। इस पैक को कैसे इंस्टॉलेशन करना है पूरा प्रोसेस मैंने दिखा दिया है। पैक को कर लीजिए डाउनलोड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से मिलेंगे इसी तरह का मजेदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइज, टेक केयर यू।